बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट अली गुरकोकर, लॉ विद स्टार एलिगोर चैनल के साथ मैं हाजिर हूं एक नए लेक्चर के साथ। लॉगेट के सीरीज़ में हमारे पास जो सब्जेक्ट चल रहा है सीआरपीसी में हमारे पास चैप्टर है चैप्टर फाइव में हम लोग जो है तकरीबन 54th सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 47 टू 54 डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग सेक्शन 47 से 54 जो है डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 5 के। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का सेक्शन 55। सेक्शन 55 में जो हमारे पास है जो अरेस्ट है वेगबोंड का हैबिचुअल रोबर का, वो जो है पुलिस विदाउट वारंट कर सकती है। पुलिस जो है बगैर वारंट के हैबिचुअल रोबर है, मतलब आदि जो रोब करता है, डकैत रोबरियां करता है, चोर है या स्टोलन प्रॉपर्टी रखता है या फिर वेगबोंड है, आवारा है, उसको पुलिस क्या कर सकती है, बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सीआरपीसी के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 अगर कोई भी शख्स अपनी मौजूदगी किसी थाने में जो है पोशीदा रखता है, वो बताता नहीं है किसी पुलिस को बताता नहीं है, तो क्या पुलिस उसको क्या कर सकती है, उसकी पुलिस समझती है कि उसका हमारे हदूद में मौजूद होना कोई ना कोई जुर्म का इरादा है, उसका इंटेंशन उसका इरादा क्या है, किसी को नुकसान पहुंचाना है या कोई जुर्म करना है हमारे हदूद में, तो पुलिस क्या कर सकती है उसको, उस शख्स को बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है। और कोई शख्स जो बगैर तसल्ली बख्श वजह बताए और किसी पुलिस स्टेशन की हदूद में रहता है और वो पुलिस ऑफिसर को नहीं बता पाता कि वो यहां पर क्यों है, उसको भी पुलिस क्या कर सकती है, विदाउट वारंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सेक्शन 55 के तहत पुलिस क्या कर सकती है, पकड़ सकती है कि भाई आप वजह बताएं, आप यहां पर क्यों हैं, वजह नहीं बताता या पुलिस को किसी के ऊपर अपने हदूद में शक है कि ये शख्स जो है हमारे हदूद में कोई जुर्म के इरादे से है और ना ही इसका कोई यहां पर दोस्त है ना रिश्तेदार है, कोई भी इसका यहां पर सोर्स नहीं है, फिर यहां पर क्यों है, उसका इंटेंशन जो है किसी ना किसी को या किसी कोई गलत इरादा है हमारे हदूद में, पुलिस उसको क्या कर सकती है, बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और हैबिचुअल रोबर होगा, वेगबोंड होगा, थेफ्ट चोर जो होगा आदि, उसको भी पुलिस बगैर वारंट के या इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54। उसके बाद हमारा सेक्शन है सेक्शन 56 सेक्शन 56 सीआरपीसी। पुलिस ऑफिसर में डिप्यूट और अपॉइंट सबोर्डिनेट पुलिस टू अरेस्ट द पर्सन। पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, अपनी गैर मौजूदगी में जो है किसी अपने सबोर्डिनेट को भेज सकता है किसी को अरेस्ट के लिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ऑफिसर उसको रिटर्न में लिख कर देगा कि उसको बगैर वारंट के आप क्या करें, अरेस्ट करें। तो वो जब वो लिखत जो है उस अरेस्ट करने वाले को दिखाएगा, अगर वो अरेस्ट करने वाला जिसको अरेस्ट किया जाना है सबोर्डिनेट पुलिस के जरिए, तो अगर वो जो अक्यूज्ड है या ऑफेंडर है वो नहीं मानता इस लिखत को, इस रिटर्न को, रिटर्न ऑर्डर को नहीं मानता, तो पुलिस जो जरूरी समझे उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस अपनी जरूरत के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 57 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 57। सेक्शन 57 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर 5 कहता है कोई भी शख्स जो है अपना सही नाम या रेजिडेंस नहीं बताता पुलिस को, पुलिस जाती है गश्त के दौरान किसी को देखती है पूछती है, वो सही नहीं बताता, पुलिस समझती है कि ये हमसे छुपा रहा है, हाइड कर रहा है अपना असली नेम वगैरह, तो पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस जो है उसे अरेस्ट कर सकती है, तब तक अपने पास रख सकती है जब तक पुलिस समझती है कि इसने सही नाम, जब वो अपना सही नाम और रेजिडेंस बताएगा तो पुलिस उसको उस हिज ऑन अपने ही बेल बॉन्ड पर क्या कर सकती है, रिहा कर सकती है, छोड़ सकती है, रिलीज कर सकती है। अगर वो जो शख्स है फॉरेनर है, पाकिस्तान से बाहर का है, तो वो उसको भी पाकिस्तान का जो है बॉन्ड जमा करना होगा। अगर पुलिस जो है 24 और विदिन 24 और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सीआरपीसी उस शख्स से जो है क्या नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेशन या उससे नाम या उसका सही नाम या रेजिडेंस नहीं पूछ पाती,
क्या करे पुलिस को उसको 24 घंटे के बाद कहां पर, आप लोगों को पता है रूल 24 घंटे विद इन 24 उसको क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। उसके बाद हमारे पास है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 58, व्हाट से सेक्शन 587 सेक्शन 58 सीआरपीसी चैप्टर 5 सेक्शन 58 सीआरपीसी कहता है परसूट ऑफेंडर इन टू द अदर ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, पुलिस क्या कर सकती है बगैर वारंट के पाकिस्तान, अगर पुलिस के पास अथॉरिटी है अथोराइज है तो पुलिस जो है पाकिस्तान के किसी भी एरिया में विदाउट वारंट जो है नीडेड शख्स जो ऑफेंडर है नीडेड है उसको जो है अरेस्ट कर सकती है किसी भी ज्यूरिसडिक्शन से कहीं से भी जो है अरेस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 सीआरपीसी चैप्टर 5 पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 59 सीआरपीसी अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तरीका क्या क्या है, तो सिंपली सेक्शन 59 सीआरपीसी कहता है कि प्राइवेट पर्सन जो है किसी को भी अगर पुलिस की गैर मौजूदगी में व्हाट कैन से ही कैन व्हाट ही कैन डू प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द पुलिस, पुलिस की गैर मौजूदगी में जो पर्सन नॉन अवेलेबल वारंट में जरूरत होगा मशकूक है उसको क्या कर सकती है प्राइवेट पर्सन जो है उसको अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के बाद उसको क्या करना होगा पुलिस के डिलीवर करना होगा पुलिस के हवाले करना होगा प्राइवेट पर्सन को जिस उसने, तो इसके हमारे पास एग्जाम्पल है अगर कोई शख्स किसी के घर में घुसता है पुलिस वहां पर जाहिर सी बातें नहीं होती है तो प्राइवेट शख्स उसको क्या कर सकता है पकड़कर बांध सकता है और उसके बाद जो है पुलिस के हवाले करेगा, या किसी स्टोर में डकैत जाते हैं डकैत तो को पकड़कर वो बंद कर सकते हैं अपने पास रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर 5।